सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा मस्त एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड गाइस कहना कि आज का वीडियो में आपका भाई कुछ इसी टाइप की सीबी फोटो निकल के सिखाने वाला एंड आपको बताने वाला है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। एंड गाइस मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने हाई एच डी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, एंड कैसे आप अपने यहाँ पे कपड़े के कलर चेंज कर सकते हैं, एंड कैसे आप अपने फेस को स्मूथ एंड व्हाइट कर सकते हैं कुछ इसी टाइप से मेरे जैसा। कैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना हाई लेवल में जो मेरा फोटो का बैकग्राउंड है चेंज हुआ है। तो गाइस अगर आपको भी कुछ इसी टाइप की एडिटिंग सीखना है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से इसका नॉर्मल फोटो दिखाई दो। तो गाइस देख लीजिए मैंने इसी वाले फोटो को क्या किया हूँ, इसी वाले फोटो को मैं यहाँ पे एडिट किया हूँ। तो देख लीजिए जो मेरे फोटो का कुछ इसी टाइप से बन के आया है। तो गाइस अगर आपको भी कुछ इसी टाइप से मेरे जैसा फोटो नहीं सीखना है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इजी स्टेप में, तो आज के वीडियो आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप भी कुछ इसी टाइप की एडिटिंग सीख देंगे बहुत ही कम टाइम में एंड बहुत ही बेस्ट तरीके से। एंड इससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जब भी फोटो आप तक पहुंचे। एंड गाइस वीडियो को शुरू कर दो स्टार्ट। सिंपली गाइस आएंगे नॉर्मल फोटो पे, आपको एक एक स्टेप को अच्छे से देखना होगा तभी आप मेरे जैसे एडिटिंग सीख पाएंगे, ओनली आपको एक स्टेप के अंदर सिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से अपने फोटो को शेयर करना होगा स्नैपचैट ऐप के अंदर। सिंपली कैसे आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को लेकर आ जाना होगा। सिंपली मैं आ चुका हूँ, इसमें सिंपली यहाँ पे टूल्स में क्लिक करूँगा, मैं सिंपली टूल्स पे आ जाऊँगा। एंड टूल्स पे आने के बाद हम लोग डबल स्क्रॉल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से ना एक बैकग्राउंड को सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एंड इसमें क्या करूँगा डाउनलोड पर मैं आ जाऊँगा। एंड मैं यहाँ से ना एक बैकग्राउंड को सिंपली मैं फिलहाल अभी ऐड कर देता हूँ, तो इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आपको ऑपसिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा, इसको हंड कर लीजिएगा एंड फोटो को राइट कर लीजिएगा। एंड इस राइट करने के बाद आपको ऊपर तीर वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं तीर पे आ जाता हूँ सिंपली और व्यू एडिट पे क्लिक करके डबल एक्स पे ब्रश पे क्लिक कर दूंगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, एंड गाइस आपको करना क्या होगा अपने मतलब यहाँ पे कुछ स्टेप से अपने बैकग्राउंड को मतलब आप लोग चेंज कर लीजिएगा। सिंपली गाइस अभी आप लोग देख लीजिए जो मतलब बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, मैं इसको मैं मतलब गाइस चेंज कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं इतना जो पार्ट है ना एक खराब हो चुके, तो आपको करना क्या होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ से फोटो को राइट कर लेना होगा एंड यहाँ से बैक पे क्लिक करके फिर से आपको इसी वाले फोटो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो टूल्स पे आइएगा, डबल एस पे आइएगा एंड प्लस पे मैं क्लिक कर दूंगा। गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लूँगा सिंपली। अब ऐड करने के बाद हम लोग ऑपसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देख लीजिए एंड इसको हंड्रेड करेंगे एंड राइट कर लेंगे फोटो को। एंड इसमें ऊपर जस्ट तिर पे मैं क्लिक करूँगा, मैं तिर पे क्लिक करूँगा, फेवरेट पे आऊँगा एंड डबल एस पे ब्रश पे क्लिक कर दूँगा। अब सिंपली आपको अपने ब्रश को आराम से ना हल्के हाथों से अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मतलब अप्लाई कर देना होगा। जस्ट अप्लाई करते हैं तो जो बैकग्राउंड है देख लीजिए कितना हाई एच डी मतलब यहाँ पे लग चुका है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना चेंज किया गया है। आप लोग यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कितना हार्ड बैकग्राउंड अब लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके डबल स्क्रॉल पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ से ना सिंपली ऑल फोटोज पे क्लिक करके मैं यहाँ से अपने शॉट का जो कलर ना चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पीएनजी को ऐड करूँगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं ऑपसिटी बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं इसको ना मतलब डार्कन कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको डार्कनिंग का फोटो को राइट करूँगा, ऊपर बैक पे क्लिक कर तीर पे क्लिक करूँगा, व्यू एडिट पे आऊँगा, डबल एस पे ब्रश पे क्लिक करूँगा। अब सिंपली मैं क्या करूँगा अपने शॉट के ऊपर के अपने ब्रश को अप्लाई कर दूँगा। इस तरीके से आप लोग आराम से कर लीजिएगा। सिंपली गाइस अभी आप लोग देख लीजिए मतलब जो शॉर्ट का भी कलर है इसको भी मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो मैं फोटो को राइट करूँगा, ठीक है, और बैक पे मैं आ जाऊँगा, एक पीएनजी को ऐड करूँगा, टूल्स पे आऊँगा, डबल एस पे मतलब यहाँ से प्लस पे क्लिक करके और यहाँ से मैं एक पीएनजी को सिंपली मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं होगा, आराम से एक स्टेप को अच्छे से देखिए। सिंपली मैं यहाँ से एक पीएनजी को ऐड करूँगा, मस्त वन नेट मुंडा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा, इस तरीके से एक्सेप्ट कर दूँगा। तो अब इस पे हम लोग बीच वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड आएंगे इसको लाइटन कर देंगे। लाइटन करने के बाद देख लीजिए अब अच्छा लग रहा है दिखने में फोटो को, दिखने में फोटो अच्छा लग रहा है एंड फोटो को राइट करेंगे। अब सिंपली फोटो को सेव करेंगे, यहाँ पे शेयर पे क्लियर किया, फोटो को सेव करने के बाद सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ से सीधा गए इस हम लोग लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं अपने फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर लेकर आ चुका हूँ। तो आपका फोटो कुछ इसी टाइप से लाइटरूम ऐप के अंदर आएगा एंड आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ, इनके इस मिक्स टूल पे क्लिक कर देना होगा आपको, ठीक है। मिक्स टूल पे क्लिक कीजिएगा
मैंने आपको इस वाले टून पे आ जाना होगा। सिंपली मैं इस वाले टून पे आता हूँ, इसका सजेशन माइनस करूँगा। मान लीजिए मैं इसके सजेशन थे इसके करीब माइनस, एंड इसके लिमिट्स हम लोग प्लस करेंगे 20 के करीब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। एंड ड्रिल वाले टून पे थोड़ा सा ये रेड वाले टून पे, एंड इसके सजेशन थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा 21 के करीब। अभी आपको कहने का होगा यहाँ से इस वाले टून पे थोड़ा सा ये इसका सिचुएशन आप लोग प्लस कर लीजिएगा। तो जो इसको माइनस कर देंगे तो शॉर्ट के कलर फीका हो जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो मतलब ज़्यादा मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हरा हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बुल वाले टून पे आएंगे, अच्छे से देख लीजिए और इसको माइनस करेंगे। देख लीजिए माइनस करने के बाद जींस का जो कलर है फीका हो जा रहा है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो मैं इसको फीका ही कर लूँगा। अब फोटो को गई यहाँ से राइट कर लीजिएगा। अब गई इसे राइट करने के बाद ऊपर शेयर पे क्लिक करके नीचे शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड फोटो को यहाँ से शेयर कर लीजिएगा आउटडोर्स स्केटबुक ऐप के अंदर। तो गई सबको सेटिंग बताऊँगा, एंड अच्छे से फेस को स्मूथ करना सिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा जो फोटो का मॉडल है यहाँ पे मेरा आ चुका है, ठीक है। तो फेस को सबसे फर्स्ट स्मूथ करना सिखा देंगे इस वीडियो के अंदर पूरा 100% रियल तरीके, ठीक है। तो ऊपर आपको तीर वाले ऑप्शन पे आज सॉरी गाइस तीर वाले ऑप्शन पे नहीं, यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे सॉरी गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्मॉज वाले ऑप्शन, ठीक है। तो इस स्मॉज को तो आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, इसको देख लीजिए अच्छे से आप चाहते हैं ना तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड आपको सेटिंग पे जस्ट आ जाना होगा, इसमें जस्ट सेटिंग पे आता हूँ। एंड सेटिंग को कैसे कैसे करना होगा, फोलो को 4 स्टेन को 4 गाइस दोनों को सेम, एंड इसका जो साइज है ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं कट कर दूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा अपने ब्रश के मतलब अपने फेस के ऊपर अपने ब्रश को अप्लाई कर दूंगा। एंड अप्लाई करने के बाद एंड गाइस बहुत ही हाई लेवल में एंड बहुत ही इजी स्टेप में जो मेरा यहाँ पे फेस होगा स्मूथना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितना हाई एच डी स्मूथ रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, जितना हो सके उतना आराम से अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा, जितना बेहतरीन तरीके से एंड जितना आराम से कीजिएगा उतना ही आपका मतलब फेस जो होगा ना हाई एच डी बनेगा एंड अच्छा लगेगा दिखने में आपको भी एंड मुझे भी, ठीक है। तो आप जस्ट जैसे मैं देख रहा हूँ गाइस देख लीजिए मैं जैसे सिंपली कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप भी अगर करते हैं तो आप भी मेरे जैसे फेस को स्मूथ करना भी सीख जाएंगे बहुत ही इजी स्टेप में एंड बहुत ही कम टाइम में। देख लीजिए फेस को मैं स्मूथ करना कितना हाई लेवल में एंड कितना एच डी क्वालिटी में मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। एंड इसमें आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को इसमें फिर से मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही इस तरीके से फेस को स्मूथ कर लीजिएगा।